18वीं रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 18 मार्च से शुरू होगा सर्वे, कमलारमण नगर से होगी शुरुआत। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में रहने वाले नागरिकों की पात्रता तय करने के काम की शुरुआत 18 मार्च से शुरू होने वाला है। स्थानीय नागरिकों की पात्रता और अपात्रता तय करने की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही सरकार ने धारावी की झुग्गी बस्तियों की जगह आलीशान बिल्डिंग खड़ी करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। सर्वे के दौरान किसी भी प्रकार की धांधली को रोकने के लिए डिजिटल तरीके से सर्वे की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड DRPPL के डिजिटल तरीके से सर्वे करने के लिए विशेष ऐप विकसित किया गया है। सर्वे के दौरान किसी भी नागरिक के कोई दस्तावेज सर्वे टीम द्वारा नहीं लिए जाएंगे। टीम सिर्फ लोगों के दस्तावेज की स्कैन लेकर उसको ऐप पर अपलोड कर देगी। सर्वे के दौरान हर नागरिक को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। DRPPL के अनुसार स्थानीय नागरिक और पूरे परिसर की सटीक जानकारी एकत्रित करने तक उनका काम होगा। सर्वे से प्राप्त जानकारी सरकारी संस्थानों को मुहैया करवा दी जाएगी। दस्तावेजों की जांच का काम सरकार का होगा। सर्वे के दौरान डिजिटल धारावी भी तैयार करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत हर घर, गली और सड़क की डिजिटल मैपिंग होगी। इसके आधार पर डिजिटल जानकारी इकट्ठा कर डिजिटल धारावी तैयार की जाएगी। सर्वे के काम की शुरुआत कमलारमण नगर से होगी। कंपनी ने जुलाई अगस्त तक यह काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। नागरिकों को जानकारी और उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए टोल फ्री नंबर 1800268888 की शुरुआत हुई है। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी करीब 600 एकड़ परिसर में फैली हुई है। धारावी में करीब 4 से 4.50 अपात्र परिवारों के होने का अनुमान है। सर्वे के माध्यम से वहां रहने वाले सभी नागरिकों का योग्य डाटा तैयार होगा, जिसके बाद किसे मुफ्त घर या किराया का घर देना है यह तय होगा। DRPPL ने प्रोजेक्ट के लिए पात्र परिवारों को कम से कम 350 वर्ग फुट का घर उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। वहीं अपात्र परिवारों को किफायती दरों में किराए के घर उपलब्ध कराए जाएंगे। अपात्र नागरिकों के लिए घर तैयार करने के लिए गृह निर्माण विभाग ने BMC को मुलुंड की 46 एकड़ जमीन और जकात नाका की 18 एकड़ जमीन DRPPL को सौंपने का आदेश दिया है। सर्वे टीम को सर्वे के दौरान लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। विरोध की संभावना को देखते हुए हर सर्वे टीम के साथ महिला पुरुष पुलिसकर्मी के साथ ही निजी सुरक्षा कर्मी भी होंगे।